आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जमीन विवाद को लेकर एक महंत पर धारदार हथियार से हमले का प्रयास किया गया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। मामला छतरपुर के कोतवाली इलाके का है। जनराय टोरिया मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मंदिर के महंत पर धारदार हथियार से हमले की कोशिश की गई। इस विवाद पर कल ही महंतों और समाज सेवियों ने सिटी कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। उसके बाद आज फिर विवाद हुआ। सुबह फिर काम चल रहा था, कल कोई काम नहीं रुकवाने गया और सुबह हम लोग गए उसको रोकने के लिए, तो अपने घर से बका लेकर के हमारी तरफ दौड़ा। तब तक हम दौड़ा, क्या नाम है? सुमेरा बसोर, सुमेरा मलिक। किस विभाग में पदस्थ हो? मलेरिया विभाग में। फिर क्या हो गया? फिर जैसे हमारे साथ में जो एक दो लोग थे वो हमको लेकर के भागे, उसके लड़के जो हैं कट्टा लहराते हुए, उसका लड़का उधर से आया पहाड़िया की तरफ से, तो हमारे साथ ये ब्रह्मचारी थे, ये हमको तुरंत मोटरसाइकिल में बैठा करके ले आए। सामने ये देखा, मोती ठेकेदार भी दूर से देखा कि बात क्या हो गई, तो ये भी दौड़ करके आया। लेकिन हम मंदिर चले आए, फिर हमने यहाँ कोतवाली फ़ोन किया कि वो जबरदस्ती काम, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं नहीं, बका तो ले आए हैं, जो बका हमको दिखा के मारने दौड़ा था वो बका तो पुलिस ले आई है, अभी अंदर ले गए हैं यहाँ। आज जब पुजारी काम रोकने गए तो मलेरिया विभाग में पदस्थ सुमेरा मलिक ने धारदार बका लेकर हमले की कोशिश की। तभी लोगों ने सिटी कोतवाली को सूचित किया, जिस पर सुमेरा भाग गया, लेकिन पुलिस ने धारदार हथियार जब्त कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ मंदिर की जमीन पर असामाजिक लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण ये सारा विवाद हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।